नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भर्ती अग्निवीरों के साथ बातचीत की, कहा अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा और इसके प्रदर्शन के लिए बुलाई गई सभी दलों की बैठक नई दिल्ली में जारी। G20 के आधारभूत संरचना से संबद्ध कार्य समूह की पहली बैठक आज पुणे में शुरू और FIH विश्व कप हॉकी में राउरकेला में आज नीदरलैंड्स का सामना न्यूजीलैंड से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक संपर्क रहित युद्ध के नए मोर्चों और साइबर युद्ध की चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं की वर्तमान पीढ़ी में विशेष रूप से ये क्षमता है और इसलिए आने वाले समय में अग्निवीरों की सशस्त्र बलों में अग्रणी भूमिका होगी। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों सेनाओं के अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित करते हुए कहा कि नया भारत नए जोश से भरा है और सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। श्री मोदी ने अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तनकारी नीति भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों से सशस्त्र बल युवा और तकनीकी समझ रखने वाले बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने सियाचिन में तैनात महिला सैनिकों और आधुनिक लड़ाकू विमानों को चलाने वाली महिलाओं का उदाहरण देते हुए उल्लेख किया कि कैसे महिलाएं विभिन्न मोर्चों पर सशस्त्र बलों का नेतृत्व कर रही हैं। युवाओं और अग्निवीरों की क्षमता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निवीर ही 21वीं सदी में देश को नेतृत्व प्रदान करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई दिल्ली में होने वाली दो दिन की बैठक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में भाग लेंगे। कार्यकारिणी की बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस समय बैठक चल रही है, जिसमें कार्यकारिणी की कार्यसूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसके अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत और पार्टी संगठन के मामलों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में श्री नड्डा का पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाए जाने की संभावना है। एक रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा की ये पहली बड़ी बैठक है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर शहर में पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक एक मेगा रोड शो में भाग लेंगे। बैठक स्थल पर सरकार की उपलब्धियों को दर्शाते हुए 6 थीम पर आधारित एक बड़ी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। आगामी राज्य विधानसभा चुनावों और अगले साल लोकसभा चुनाव की दृष्टि से इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां भाजपा अपनी चुनावी रणनीति पर चर्चा करेगी और प्रधानमंत्री पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। आनंद कुमार के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री के रोड शो को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट। रोड शो के मार्ग पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। एडवाइजरी में बताया गया है कि आज दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक अशोका रोड, संसद मार्ग, रफी मार्ग, जयसिंह रोड, टॉल्स्टॉय रोड, इम्तियाज खान मार्ग, जंतर मंतर रोड, बंगला साहिब लेन पर यातायात बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इन मार्गों का उपयोग न करने की सलाह दी है। समाचार कक्ष से मैं दिव्या तोमर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा और इसकी संचालन प्रणाली के प्रदर्शन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक नई दिल्ली में चल रही है। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्यों सहित सभी राष्ट्रीय और राज्यों के राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिव उपस्थित हैं। आयोग की इस मशीन का उपयोग करते हुए प्रवासी मतदाता देश में अलग अलग स्थानों से वोट दे सकते हैं। मशीन में ईवीएम जैसा ही सुरक्षा तंत्र मौजूद है। इस नई मशीन का उपयोग करके एक ही रिमोट मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा सकेंगे। आयोग ने इसके लिए कानून में अपेक्षित परिवर्तन, प्रशासनिक प्रक्रिया और मतदान के तरीके के बारे में सभी दलों से 31 जनवरी तक सुझाव देने का अनुरोध किया है। G20 के आधारभूत संरचना समूह की पहली बैठक का आज पुणे में उद्घाटन किया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्री नारायण राणे भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री राणे ने G20 प्रतिनिधियों का स्वागत किया और बैठक के पहले सत्र की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत को विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास कर रही है और पुणे में हो रहा यह सम्मेलन देश की प्रगति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। G20 के थिंक 20 यानी T20 समूह ने योगदानकर्ताओं से नीति संबंधी सुझावों का सार आमंत्रित किया है। ये सुझाव कल यानी 17 जनवरी तक दिए जा सकते हैं। इनके आधार पर थिंक 20 समूह G20 के नेताओं को नीति संबंधी सिफारिशें सौंपेगा। थिंक 20 की वेबसाइट में बताया गया है कि नीति सुझाव अनुसंधान आधारित होने चाहिए, जिनमें वैकल्पिक नीति की आवश्यकता तर्क के साथ बताई जानी चाहिए। ये नीतिगत सुझाव किसी T20 भारत के कार्यबल से संबंधित होने चाहिए। थिंक 20 के 20 कार्यबल हैं जो G20 के एजेंडा के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं। इनमें सतत विकास लक्ष्य, व्यापार और आजीविका, खुशहाली जैसे बिंदु शामिल हैं। चुनिंदा सार स्वीकार किए जाने के बारे में 6 फरवरी तक सूचना दे दी जाएगी। बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ जाने वाला विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज MV गंगा विलास आज दोपहर बाद पटना पहुंचेगा। इस समय क्रूज बिहार में है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा का आनंद ले रहे हैं। पर्यटक आज सारण के चिरांद स्थित विभिन्न पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण करेंगे। चिरांद में 9 पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार पर्यटन विभाग के निदेशक यशपति मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि पर्यटकों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पटना में उनका कार्यक्रम गोलघर, नया म्यूजियम और गुरुद्वारा देखने का है जो पटना साहिब में है। इसके अलावा यहाँ से वो सिमरिया जाएगा। सिमरिया में वाइसराय हाउस है, उनको देखने का प्रोग्राम। उसके बाद वो मुंगेर जाएगा, मुंगेर में किला का भ्रमण करेगा, योग विद्यालय का भ्रमण करेगा और उससे आगे बढ़ के वो सुल्तानगंज जाएगा, जहां आज गैवीनाथ मंदिर जो गंगा के किनारे पर है उसको लोग देखेंगे और उसके बाद जो है बटेश्वर स्थान भागलपुर जाएगा। गंगा विलास क्रूज 22 जनवरी तक बिहार में रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे होने पर लोगों को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक सफल टीकाकरण लगातार तेज रफ्तार से नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरक नेतृत्व में ये बेजोड़ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका प्रयास से प्रेरित भारत का कोविड टीकाकरण अभियान इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदृष्टा नेतृत्व में भारत का टीकाकरण अभियान पूरे विश्व के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। कोविड महामारी से बचाव के लिए भारत में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और अब तक 220 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा महोत्सव में भाग ले रहे युवाओं का आग्रह किया है कि वे हुबली धारवाड़ में 7 दिनों के प्रवास के दौरान अपने अनुभवों और विचारों को साझा करें।
आज धारवाड़ में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि वे भारत भ्रमण करें और विकसित तथा स्वच्छ भारत के संदेश का प्रसार करें। उन्होंने बताया कि खेल मंत्रालय युवा वार्ताओं के दौरान प्रस्तुत किए गए अच्छे विचारों को संकलित करके G20 के आयोजनों में भारत आने वाले 43 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि श्री मोदी ने भारत को ऐसे शिखर पर लाकर खड़ा किया है जहां देश ने अपने प्रभाव और प्रभुत्व का विस्तार किया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि विश्व में भारत का दर्जा बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है। पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी विदेश नीति को कुशलता से संचालित किया और भारत का सकल घरेलू उत्पाद 30 खरब अमरीकी डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। भारत की इस प्रगति को ऐतिहासिक बताते हुए जाने माने राजनीतिक और रक्षा विशेषज्ञ शहजाद चौधरी ने लिखा है कि भारत सभी निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। ओडिशा में चल रही FIH पुरुष हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में आज राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में मलेशिया का मुकाबला चिली से होगा, जबकि न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। एक अन्य दौर में राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फ्रांस का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से और अर्जेंटीना का ऑस्ट्रेलिया से होगा। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्से अगले 3 दिन तक भीषण शीतलहर की चपेट में रहेंगे। मौसम विभाग ने बताया है कि देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शीतलहर आने के साथ ही आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। शीतलहर की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 6 दिन के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और कम दृश्यता बने रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 18 जनवरी से मध्यम से हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। कश्मीर घाटी में अधिकांश स्थानों पर पारा जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। जयपुर के जोबनेर इलाके में लगातार दूसरे दिन तापमान सामान्य से नीचे रहा। न्यूनतम तापमान 0 से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी HS उपाध्याय ने बताया कि घने कोहरे के कारण 6 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। आज कोहरे और खराब मौसम के कारण उत्तर मध्य रेलवे की 6 ट्रेन कैंसिल हैं और कोहरे की वजह से ही लगभग 100 ट्रेन अपनी पंक्चुअलिटी लॉस्ट अर्थात लेट गई। कोहरे को लेकर उत्तर मध्य रेलवे पूरी तरह सजग है और विभिन्न विशेष तैयारियां कर रखी हैं, जैसे मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम ने कार्यान्वित कर रखा है। अतिरिक्त प्रति ट्रेन में फॉग सेफ डिवाइस लगाई गई है ताकि कोहरे के मौसम में लोको पायलट को सिग्नल की प्री इंटीमेशन पहले से ही जानकारी मिल जाए कि कोहरे में दृश्यता कम होती है, तो लोको पायलट को सिग्नल की जानकारी होने से वो और विश्वास के साथ संरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी चला सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वो बांग्लादेश सरकार और उसके केंद्रीय बैंक द्वारा देश की वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए मूलभूत वित्तीय उपायों से संतुष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक मॉन्सियो साहे ने बांग्लादेश के वित्त मंत्री AHM मुस्तफा कमाल से भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिरुवल्लुवर दिवस पर तमिल कवि थिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि दी और उनके उच्च विचारों को याद किया है। श्री मोदी ने कहा कि थिरुवल्लुवर के विचारों की विविधता सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रेरणा का महान स्रोत है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से थिरुवल्लुवर की पुस्तक कुराल पढ़ने का भी आग्रह किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भर्ती अग्निवीरों के साथ बातचीत की, कहा अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा और इसके प्रदर्शन के लिए बुलाई गई सभी दलों की बैठक नई दिल्ली में जारी। G20 के आधारभूत संरचना से संबद्ध कार्य समूह की पहली बैठक आज पुणे में शुरू और FIH विश्व कप हॉकी में राउरकेला में आज नीदरलैंड्स का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।